हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केएजी एजुकेशन। देखिए, इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हम उसका लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक बार हम उसको एक बार देख लेते हैं और फिर हम शुरुआत करते हैं। तो रिकैप में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा था कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक है, जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज कर रही थी। फिर उसके बाद है ताज का शासन, जो कि 1858 से भारत की आजादी तक था। कंपनी के शासन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अब तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को खत्म किया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को खत्म किया है। आज हम बात करेंगे 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए, बहुत सारे ऐसे ही एक्ट और अधिनियम बने थे लाइन से, तो हम उन्हीं एक्ट और अधिनियम को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कुछ हमारा जो बेसिक थीम है वो मजबूत होगा, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। 1813 का चार्टर अधिनियम, देखिए धीरे धीरे हुआ क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार उसको दिए बहुत ज्यादा मिल चुके थे, और अब वो गलत तरीके से यहाँ से धन अर्जित कर रही थी। अब जब इंग्लैंड की शासन को ये पता चला, तो इंग्लैंड की शासन ने, इंग्लैंड का जो क्राउन था, उसने इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रतिबंध लगाने के लिए शुरुआत कर दी थी रोलेट एक्ट से ही, और धीरे धीरे वो ऐसे ही बढ़ते जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर को हम खत्म कर देंगे। तो देखिए, 1813 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अंत करने की शुरुआत थी। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें बेसिकली कंपनी का जो अधिकार पत्र था, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि कंपनी अभी भारत में 20 वर्षों के लिए और फुली बिजनेस कर सकती थी। कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार को ये समाप्त करने की शुरुआत थी, ठीक है। चीन और पूर्वी देशों के साथ 20 वर्षों का एकाधिकार जारी था। कुछ सीमाओं के अंदर कोई भी ब्रिटिश व्यापार कर सकता था। देखिए, अभी तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर सकता था, ठीक है, लेकिन अभी इस चार्टर अधिनियम से दूसरे जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी एक इजाजत मिली कि आपको एक लिमिटेशन दिया जा रहा है, आप इसके अंदर आप वहां पर बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, ये शुरुआत थी। अभी आप 1833 पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ और आपको मिलेगा। तो 1813 से पहले कोई भी मिशनरी भारत नहीं आ सकता था, लेकिन इस अधिनियम ने ईसाई पादरी को यहाँ पर एंट्री दे दी थी। अब ईसाई जो पादरी लोग हैं, जो ईसाई मिशनरीज हैं, वो सब भारत में आके अपनी ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि किस कौन सा अधिनियम है जिसके तहत ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, शुरुआत हुई। तो वो आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में। देखिए, 1833 का चार्टर अधिनियम केंद्रीयकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। अभी तक 1813 में क्या हुआ था कि 20 वर्षों के लिए हमने एक्सटेंशन दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे हम इस पर लगाम लगाएंगे। तो इसकी विशेषताएं ये थी कि सबसे पहले तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी और बाकी छोटे एग्जामों में, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, गवर्नर जनरल के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसकी ट्रिक भी दे दूंगा, तो आपको गवर्नर जनरल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार वीडियो बीच में मैं आपसे बोल देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। थैंक यू। देखिए, मद्रास और बंबई के गवर्नर जो थे, उनको विधायिका शक्ति संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी विधायिका थी, मतलब जो कानून बनाने वाला है कि आप क्या कर सकते हो, वो सब बंगाल और मद्रास और बंबई के गवर्नर को खत्म कर दिया गया था। अब सिर्फ और सिर्फ जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसको भारत का गवर्नर बना दिया गया था। अब वही सारे विधायिका संबंधी निर्णय ले सकता था। साथ ही साथ विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। अभी तक आपने पढ़ा था ना, 3 सदस्य हुआ करते थे, रोलेट एक्ट में हमने डिस्कस किया था। अभी क्या है, चौथा सदस्य गवर्नर जनरल के परिषद में आ चुका है और वो होगा विधि
विधिक सदस्य, मतलब वो जितने भी कानूनी संबंधी समस्याएं होंगी वो उसको डिस्कस करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां अब यहाँ पे समाप्त हो चुकी थी, साथ ही साथ सिविल चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत भी हो गई थी यहाँ पर। अब अभी तक क्या होता था कि जो क्राउन था इंग्लैंड की, जो राजा होते थे, क्राउन थे इंग्लैंड की, जो संसद होती थी वो डिसाइड करती थी कि कौन बनेगा वहां का गवर्नर जनरल। तो अभी क्या है कि सिविल सेवा के लिए अब एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने के बारे में 1833 के चार्टर अधिनियम में बात रखी गई। लेकिन लेकिन वहां के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उस समय के, उन्होंने इसे लागू होने से मना कर दिया। वो थोड़ा सा आंदोलन करने लगे थे, इस कारण से ये पारित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि यहाँ से एक सोच डेवलप हुई थी कि यस ओपन एग्जाम करा सकते हैं सिविल सेवा का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पहली बार ओपन सिविल सेवा की परीक्षा के बारे में कब सोचा गया, तो वो है 1833। तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके बारे में हमने जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थे हमने सब पढ़ लिया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं KG एजुकेशन, और जितने भी लोग हैं आप उनको जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस और बाकी चीज़ों के बारे में बता सकें। साथ ही साथ हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर सकें। फेसबुक पेज है हमारा KG एजुकेशन नाम से, उसको भी आप सर्च करके उसको लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।